असलम डायलॉग विद हिस्ट्री के साथ मैं हूं आयशा नूर नाजरीन आज हम क्याम पाकिस्तान के चंद अहम मुहरक को जेर बहस रखेंगे जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब साहब अच्छा सर ये क्याम पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए का शाखसाना था या फिर आर्मी कुतों की ख्वाहिश टू नेशन थियरी अपनी जगह एग्जिस्ट करती थी इसको डिनाई नहीं किया जा सकता था लेकिन उससे मुल्क हासिल करना यानी यही टू नेशंस थी जो इकट्ठे रहती रहीं एक तवील अरसा और बड़े आराम से रहती रहीं बहुत पावरफुल मुल्क के तौर पे रहती रहीं और इकट्ठे एक दूसरे के लिए जाने निछावर करते रहे हाएर मज़बी एतबार से दोनों मुख्तलफ थे इनके आपस में आना जाना मिलना मिलाना था शादियाँ वादियाँ नहीं करते थे तो इसके बावजूद माशरे एग्जस्ट करते हैं तो ये कहना कि ये टू नेशन थियरी थी जिसने ये मुल्क बना डाला ये मुल्क दरअसल उसी दिन बन गया था जिस दिन दूसरी जंग अजीम के दौरान विंस्टन चर्चल और रूजवेल्ट ने अपने सोवियत काउंटर पार्ट जोसेफ स्टालिन को अपने शाना बशाना लड़ते देख लिया ये एक गलती स्टालिन ने कर ली थी इनके साथ खड़े होकर शाना बशाना हिटलर के ख़िलाफ़ लड़ने की और अपना मसल इन्हें दिखा दिया ये इतना डर गए उससे इतना डर गए कि हर तरफ इन्होंने रुकावटें खड़ी करनी शुरू कर दी जिस तरह हमारी सियासत इंडिया सेंट्रिक और उधर की सियासत पाकिस्तान सेंट्रिक है इस वेस्टर्न वर्ल्ड की सारी सोच के धारे एक ही तरफ बहने लगे और वो था सोवियत यूनियन कि अभी ये तो हमें खा जाएगा ये तो बर्बाद कर देगा एक आदमी था सर फ्रांसिस टकर ये कमांड का चीफ था वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द ईस्टर्न कमांड ब्रिटिश राज की जो यहाँ पे जो चार चार कमांडर्स थे सदरन थी नॉर्दर्न थी ईस्टर्न कमांड थी तो ये ईस्टर्न कमांड इनके अंडर थी अब फ्रांसिस टकर ने दिसंबर 1946 में एक किताब बड़ी दिलचस्प किताब लेस्ट द मेमोरी फेल्स उसमें उसने सजेस्ट किया कि जिस तरह वो टाइड बढ़ती चली जा रही है वो स्पिल ओवर करेगी और उसका बहुत बड़ा हदफ सब बनेगा और यहाँ पर जो क्लास की एक डिवाइड थी क्लास डिफरेंस था मतलब इस कदर आ, मातूब लोग यानी सिर्फ एक दो क्लासेस तगड़ी हैं ऊपर नीचे वाली क्लासेस पिसती चली जा रही हैं और वो ख्वार होती चली जा रही हैं एंड दे आर द मोस्ट न्यूमरस वो बहुत ज्यादा हैं जाहिल हैं अनपढ़ हैं हैं हैव बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं ये तो ईजी प्रे होगा सिटिंग डक्स होंगी इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वो तो कहेंगी अल्लाह आप हमें कुछ दे ना दें ये जो हैव्स हैं इन्हें हमारे जैसा कर दें उसने कहा कि उसके अल्फाज थे कि अल्जीरिया से ये टाइड उठे आप ब्रिटिश पैटर्न पे आप अपनी जेर साया हुकूमतें बनाएं अरब पेनसुला से होती हुई ईरान और फिर इंडिया में एक नई रियासत बेहतरीन नई रियासत जो आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो क्योंकि कम्युनिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी तो उसके मुकाबले में ये क्लासेस में बटी हुई इंडियन हिंदू सोसाइटी ये कैसे खड़ी हो सकती है चुनाचे आप एक एक तगड़ी नजरियाती रियासत कायम कर दीजिए अब ये बात सिर्फ टकर ने नहीं की फ्रांसिस टकर को आप एक साइड पर रखते हैं एक और बड़ा अहम कैरेक्टर वो कि उसने बड़ी देर की ये किताब लिखने में नरेंद्र सिंह सरीला ग्रेट जी शेडो ऑफ द ग्रेट के बड़ी आई एम ग्लैड यू बुक बड़ी दिलचस्प किताब अब ये बंदा माउंट बैटन का ए था इससे ज़्यादा करीबी कौन हो सकता है इंतहाई करीबी उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि यहाँ से निकल जाए और एक एक इंतहाई आसान शिकार सोवियत यूनियन के लिए उस दौर के सोवियत यूनियन के लिए गवादर की शक्ल में वाम वाटर्स की शक्ल में छोड़ जाए चुनानचे इन बड़ों ने ये जो फ्री वर्ल्ड के बड़े थे इन्होंने जैसे जो होता है ना जैसे रातों रात प्लान करते हैं उन्होंने प्लान किया देखिए पाकिस्तान की डिमांड बहुत पुरानी है बहुत पहले आ चुकी थी अलामा इकबाल के ख़्वाब का तस्करा और खुतबा इलाहाबाद का तस्करा और देखिए खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने बहुत सारी आज़ाद रियासतों का तस्करा किया था को पाकिस्तान है सच वो नहीं था लेकिन ये आज़ादी का एक कॉन्सेप्ट उभरना शुरू हो गया था बट हाउ कुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू बी सो सो जेनरस हाउ दे गिव यू एवरी थिंग वो कुछ और करते मेरा यकीन है मेरा यकीन है कामिल है कि आपकी टू नेशन थियोरी आपकी डिमांड आपकी कुर्बानियाँ वो रायगा चली जाती और ये मिलकर कुछ ऐसा इंतज़ाम कर लेते कि मतलब है कि आपको कन्वेंस कर लेते जैसे कैबिनेट मिशन प्लान के साथ कायदे आज़म एग्री कर गए थे कायदे आज़म ने गो के उसको जस्टिफाई किया बाद में ये कर के पाकिस्तान को मजीद वायबल और वर्केबल करने के लिए उस ख्वाब को मजीद क्रिस्टलाइज़ करने के लिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो एक्सेप्ट कर लेते या जिस तरह कायद अजम ने सरदार शौकत के साथ एग्री कर लिया था वो भी एक दिलचस्प किस्सा किसी दिन वो भी हम डिस्कस करेंगे कि जब वो जवाहरलाल नेहरू के पास गए उन्हें कन्विंस किया कि भाई आप इस पार्टीशन को कुछ देर डिले ही कर दें अगर आप बाज नहीं आ रहे तो डिले कर दें तो उन्होंने कहा जाओ जवाब आजम से कहना तुम्हारा परसों तरसों इजलास है ए, सेंट्रल कमेटी का कौंसिल का इजलास है उसमें बात करना अगर वो मान जाए तो ठीक अब वो वहाँ से शिमला से रातों रात भागे लाहौर फ्लैटिज होटल में जाके उन्होंने मुलाकात की उनकी किताब भी वो अ नेशन दैट लॉस्ट इट्स सोल प्रॉब्लमली यही नाम है उस किताब का सरदार शौकत हयात ने बहुत सारी बातें अपनी तहरीरों में अदरवाइज ये कर रखी हैं लेकिन उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते बहुत सारे लोग यहाँ पे वो लोग जिनको नागवार गुजरती हैं इस तरह की बातें कि कायदे अजम ने इससे एग्री कर लिया कि आप पाकिस्तान ना बनाएं बात ये नहीं कि कायदे अजम ने पाकिस्तान को अनडू करने से एग्री कर लिया था इस प्रोसेस को कुछ देर के लिए डिले किया था डी नहीं किया था डिले करने की हम ही भर ली थी लेकिन जब वहाँ वापस पहुँचे कहते मैं रातों रात वहाँ से निकला फिर और मैं गोली की रफ़्तार से शिमला पहुँचा नेहरू साहब देयर एंड ही सेड कि मैं तो तुमसे एग्री कर रहा हूँ पटेल नहीं मानता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस वक्त भी ये उनका नुक्ता नज़र था कि ये दुश्मनी जितनी अब हो चुकी है ना आपस में आपस में ले दे जो हो चुकी है टू नेशन थियरी ने जब से जन्म लिया उसके बाद अब गुंजाइश नहीं है कि ये इकट्ठे रहें तो चुनाचे ये है उसका बैकड्रॉप कोई ऐसी शक्ल इन्होंने इख्तियार कर लेनी थी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये मामला वो ना होता जोजफ स्टालिन का और कम्युनिस्ट स्पेल ओवर का तो ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को बेचारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसी ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे भगाए रखते आज तक जिस तरह फलस्तीनी भागते फिर रहे हैं जिस तरह कश्मीरी भाग रहे हैं हम भी वही कुछ होते हैं बनी बनाई पक्की पकाई ममलकत हमें प्लेट में रख के इसमें कोई शक नहीं कि कायद अजम का एक बड़ा बहुत बड़ा किरदार है इसमें इसमें कतन कोई शक वाली बात नहीं लेकिन ये तारीखी हक़ के इनसे रूगरदानी की नहीं जा सकती ये उनकी मजबूरी थी और देखिए उन्होंने कैसी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की तो सर वो जो इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच थी 11th अगस्त 1947 राष्ट्रवाद की जी 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 तो वो निगेशन नहीं थी टू नेशन थ्योरी की वेल well, ब जाहिर तो ये लगता था कि जैसे एक 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 बड़ा कौम का जो एक लीडर होता है जैसे आपका कबीले का बड़ा होता है ना एल्डर वो आकर किसी बात पे ये मुतला करना चाह रहा है कि भाई हम इस मकसद के लिए एक जंग लड़ रहे थे अब हमने जंग जीत लिए चुनावचे हमने वो मकासद जो बड़े मकासद थे वो इसके साथ हल कर लिए हासिल कर लिए अब ज़रूरी नहीं है कि हम इन स्लोगन्स को पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट करें कुछ ऐसी बात मतलब बाहर तो इसे और कुछ समझ नहीं आती मतलब क्या कोई जी होश इसको तस्लीम करेगा कि एक शख्स जिसने कैटेगोरिकली कह दिया कि जी हिंदूज हिंदूज़ हैं मुस्लिम्स मुस्लिम हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो स्पीच है उसमें उसने क्या कि सारा कुछ उसको नेगेट कर दिया ऐसा है नहीं वो पाकिस्तान अचीव करने के बाद का एक तसर था कि कहीं ये ना एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान के अंदर वो सिलसिला चलेगा क्योंकि वहाँ हम माइनॉरिटी में थे अब हम मेजॉरिटी में हैं अब यहाँ जितनी माइनॉरिटीज़ हैं वो हमारे साथ फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड इंजॉय करेंगी ये मेरी मे मेरी खुश है मैं इस तरह समझता हूँ लेकिन जब यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने जिसको लीड कर रहे थे उस वक्त चौधरी मोहम्मद अली जैसे लोग जो बड़े काया बड़े समझदार लोग थे ही वॉज द कैबिनेट सेक्रेटरी देन उन्होंने इसको हजफ करवा दिया इस तकरीर को असम्बली की कार्रवाई से और यकीन बाद में समझाया होगा कि जनाब आप तो लिबरल हैं ना आप तो एक बड़े बहादुर आदमी हैं लेकिन कौम हर चीज हजम नहीं कर सकती और इतनी जल्दी लगेगा इससे यूँ कि जैसे ये तो आपने सिर्फ एक टोपी ड्रामा रचा रखा था कोई इस तरह की बात में भी अब देखे ना ये बातें हम तक टोटल पर्दा है तो फिर आप हाइपोथेटिकल बातें छोटी छोटी छोटे छोटे, -छोटे नानस मिलाकर एक बड़ी चीज़ को क्लियर करते हैं ना कि हो सकता है ये बात समझाएगी हो और कायद अजम ने विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एक्सेप्ट कर लिया हो और यही वजह है कि चंद माह बाद उनकी जो लाहौर में स्पीच थी वो बिल्कुल इसी स्पीच की नगेशन थी उसमें उन्होंने बिल्कुल टू नेशन थियरी को सपोर्ट किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से फिर से इससे गलत फहमियाँ भी तो जन्म लेती हैं कोर्स लेती हैं ऑफ कोर्स लेती हैं अब इस हवाले से ए, ये एक और बहुत अहम इशू कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला 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 ये क्रिएट हो गया कि जी कायद अजम ने अगर ये कहा था तो फिर ए, ये मुल्क जो है वो तो फिर वाकई इस्लामी रियासत कायम होनी चाहिए थी ना वो जो ऑब्जेक्टि रेजोल्यूशन आपने उसका प्रीएम्बल बना दिया और उसी पे ट्रखा दिया तो फिर इस्लामी निज़ाम किधर गया अब उसमें गुलाम नबी मलिक की किताब है दागों की बहार इसमें उन्होंने अपने एक इंटरव्यू का तस्करा किया है कायद अज़म के बड़े करीबी साथियों में से जमाल मियाँ फरंग महली उनको कोट कर रखा है कि कायद अज़म से पूछा मैंने कि जनाब आपने वो जो नारा लगाया था तो उनके पहली बात तो ये कि मैंने कभी ये नारा नहीं लगाया ये कभी मेरी मौजूदगी में सेंट्रल एग्जीटिव कमेटी में काउंसिल में कभी ये नारा नहीं लगाया गया उन्होंने फिर आगे एक दो लोगों को उन्होंने स्नब करते हुए कहा था कि ये मैंने नहीं कहा ये आपने ये जो 1946 के इलेक्शंस थे इलेक्शन जीतने के लिए अगर ये नारा लगाया और चार वोट इसकी वजह से हासिल कर लिए तो इसमें मेरा कसूर नहीं है ये तुमने ये इसको इस्तेमाल किया आखिर क्या वजह है क्यों डाइकोटमीज का शिकार हैं क्यों हम मशकूक हैं क्यों स्केप्टिसिज्म के बादल हैं जो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से छाए हुए हैं कि हमारी जान ही नहीं छूट रही हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा कोई डायमेंशन कोई डायरेक्शन हमारी है ही कोई नहीं दिस इज द मेजर रीजन योर हिस्ट्री इज अच फॉज जो बात तस्लीम करने की है उसे माने उसका इकरार करें बहादुरों की तरह और जो काम करने के हैं उस पर डट जाएँ अल्लाह का नाम लें अब भी पाकिस्तान एक इंतहाई वाइबल स्टेट है मैं समझता हूँ कि इंडिया की नस्बत ये कई गुना ज़्यादा आसान है एक इंतहाई वायबल इत वर्केबल और इंतहा कामयाब स्टेट बनने के लिए आज मान लिया जाए कि भाई ये एक रियालिटी है ये नवश्ता दीवार है हम क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं क्यों एक चक्कर चला रहे हैं और लोगों के हाथों में हम स्टूज बन के हम एक अपना तमाशा बनाए चले जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क बेपना तरक्की करे